नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हमने ऑटिज़म अवेयरनेस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज उसी सिलसिले में हमारे हम बात करेंगे फौजिया सलाउद्दीन से जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है फौजिया एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और इसके साथ साथ एक 16 ईयर ओल्ड बेटा जो कि स्पेक्ट्रम पे है, उनकी मदर भी हैं आज हम फौजिया से बात करेंगे उन चैलेंजेस के हवाले से जो उन्होंने फेस किए जब उनके बेटे की स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो फौजिया थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस माय प्लेजर। तो बताइए आप हमारे साथ शेयर कीजिए चैलेंजेस थे जाहिर है बच्चों की स्कूलिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उनकी ग्रोइंग अप का तो जब आपके बेटे कि वो एज आई पे उनको स्कूल स्टार्ट करना था तो कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने पाकिस्तान में स्कूल cool स्टार्ट करने की तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो आ, मेरे तीसरे थे तो उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितने हो सकता है पहले होने की वजह से होती आ, उनके ऊपर के एक भाई और एक बहन जिस स्कूल में जाते थे उसी स्कूल में हमने वॉल्टियर काम भी किया था पढ़ाया भी था तो हम उनकी हेड मिस्ट्रेस के पास गए हमने कहा हम तो चाहते हैं कि ये यहीं आए हम कहीं और नहीं अप्लाई करेंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप लेकर आए जरूर एंड बहुत उन्होंने सपोर्ट की बहुत हमें हौसला अफजाई भी की आ, चीजें थी जो टूटती थी क्योंकि ताहा जो है वो छुटपन में भागते बहुत थे उनको ए डी का भी लेबल दिया गया था जब वो छोटे थे आम, और आ, लेकिन हेडमिस्ट्रेस बहुत सपोर्टिव कहती थी कोई बात नहीं आप आ, हम ध्यान रखेंगे उन्होंने पहले तो कभी रिसोर्स टीचर का जिक्र नहीं किया स्टाफ ही उनका ध्यान रखते थे तहा माशाल्लाह बहुत खुश रहे उस स्कूल में Um, उस स्कूल की जब जूनियर uh, स्कूल की बारी आई सो ही जो छोटा किंडर गार्डन स्कूल जिसको कहा जाता था क्लास टू तक होता था वहां से छोड़ के जब वो जूनियर स्कूल में आए तो चीजें ज्यादा टूटना शुरू हो गई क्योंकि अब जो है डिसिप्लिन का के नाम के अंडर uh, बहुत सारी चीजों के लिए उनको कहा जाता था कि भाई ये बैठे इनको बैठना जरूरी है जबकि हमने एक लेटर भी उनको दिया था उनकी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की तरफ से कि इस बच्चे को जरूरत है इनको ब्रेक्स की जरूरत है सेंसरी नीड्स की जरूरत है इनको बाहर आने दें स्कूल um, जो है इंक्लूसिव जरूर अपने आप को कहता था लेकिन परहैप्स इन दिस केस वॉज नॉट एज सपोर्टिव एज वी वर एक्सपेक्टिंग क्योंकि इवन दो स्कूल का स्कूल एक ही था कैंपसिस डिफरेंट थे मैनेजमेंट डिफरेंट थी प्रिंसिपल डिफरेंट थे सो so, उस वक्त जो चीजें टूटनी शुरू हुई तो एक साल के थे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें बुला के कह दिया कि हम अब इस बच्चे को नहीं रख सकते आप इसको ले जाए हमारे जब बच्चे यहाँ पर छोटे होते हैं पाकिस्तान में स्पेशली और क्योंकि आप खुद ही प्राइवेट स्कूल में डाल डाल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर जो है अच्छे स्कूलों की किल्लत है और अगर एडमिशन मिल गया और बच्चा चल गया उसमें तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं निकालते आप बच्चे को स्कूल दस साल के बच्चे को जिस जो स्पेक्ट्रम पे है उसको इस एज पे किसी स्कूल में दाखिला मिलना बहुत मुश्किल सबका यही कहना था कि हमारे अपने ही बच्चे हैं और हर क्लास में दो से ज्यादा हम अकोमोडेट कर नहीं सकते उस वक्त जो है ताहा की किस्मत और हमारी किस्मत यही थी कि हमने मेन स्ट्रीम स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे ऑप्शन देखना शुरू किए उसमें एक ऑप्शन जो खुल के सामने आया होम स्कूल का हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम तहा किस तरह से आगे पढ़ाते तो हमने कहा कि ठीक है जो भी हमारे पास वो इस बच्चे का ही है अल्लाह हर किसी को आजमाता भी और देता भी है तो हमने सोचा कि ठीक है हम होम स्कूल करेंगे तहा को और होम स्कूल डिफरेंट फ्लेवर होते हैं कुछ लोग समझते हैं कि होम स्कूल सिर्फ आपका बच्चे को पढ़ाना है हमारे केस में हमने कहा कि इसके लिए एक दो टीचर्स रख लेंगे ताकि इसको सोशलाइज करने का भी मौका मिले सिर्फ एक ही बंदे के साथ जो है इसको बात करने का लिमिटेशन नहीं हो वो चीज़ हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुई तहा के लिए इंतहा मुफीद साबित हुई क्योंकि अम्म तहा दस साल की उम्र पे खुश जरूर थे और उनको उस वक्त जो है अब अब वो सेल्फ स्टीम के इश्यूज़ आते उनके आने से पहले ही उनको इतना अनकंडीशनल मोहब्बत मिल गई हर तरफ से कि उन्होंने ऊपर ही चढ़ना था उनको कोई दबाने वाला नहीं था ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब वो सोलह साल के हैं अभी भी वो सोलह साल की उम्र की चीजें तो नहीं करते लेकिन जरूर अपने आप को समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो सारी चीजें कर सकते हैं वो बात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर करते हैं दस साल की उम्र से पहले उनको उनकी स्पीच भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्पीच भी है बातें भी करते हैं कॉन्वर्सेशन भी होते हैं डिस्कशन भी होते हैं और अलहमद ये भी होता है कि नहीं मुझे ये काम आज नहीं करना अब आप कुछ और ढूंढें करने के लिए या हम पूरा दिन बाहर क्रिकेट खेलेंगे और हम नहीं पढ़ेंगे आज उसकी भी एकमोडेशन हमें करनी पड़ती हैं और क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच um, नहीं है वी चेंज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड जैसा ताहा चलता है हम उस हिसाब से चलते हैं हमने टीचर्स को भी यही कहा हुआ है अगर वो बच्चा चाहता है कि आज वो कुछ ना करे सिर्फ ड्राइंग करे आप उसके साथ ड्राइंग करें क्योंकि आज का दिन हो सकता है ऐसा गुजरा हो उसके लिए या ऐसा शुरू हुआ हो उसके लिए या उसका दिमाग में कोई बात हो जो उसके लिए ये सामने चैलेंज चा, लेकर आ रही है और हमने जो चीज देखी है और सीखी है पांच सालों में जब से ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स निकले हैं अगर आप इनके हिसाब से चलें तो आपकी भी जिंदगी आसान रहती है और इनकी भी जिंदगी आसान रहती है उसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने इनको मैथ और इंग्लिश और इस्लामियत और उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ाया हमने बहुत कोशिश की फिर कुछ चीजें हमने छोड़ दी पिछले मेरे ख्याल में तीन साल में मैंने जब इनको इनको उर्दू बोलनी आती है फरफर उर्दू बोलते हैं लेकिन इनको उर्दू पढ़नी नहीं आती लेकिन इनको कायदा आता है इनको कुरान पढ़ना आता है तो मैंने सोचा कि ठीक है उर्दू की का इम्तहान नहीं दिलवाऊंगी पिछले साल मैंने पाकिस्तान स्टडीज छुड़वा दी क्योंकि हम पांचवी जमात की जियोग्राफी तक पढ़ चुके थे जितना हमें पढ़ना था और मैं हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं इनको हिस्ट्री की का रटाऊं जो फंक्शनल एकेडमिक्स जिसको कहा जाता है जिसमें मैथमेटिक्स इंग्लिश राइटिंग ये वाली चीजें आ जाती हैं वो हम जरूर करवाते हैं लेकिन अब हम बेसिक्स से हम फंक्शनल की तरफ आ गए हैं तो अगर आप आ, कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है उस पर जरूर जोर दिया जाता है इंटरेस्टिंग आपने ये होम स्कूलिंग की बात बताई और पाकिस्तान में जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे लोग समटाइम्स देक आउटसाइड द बॉक्स तो उनको यही uh, ज्यादातर पेरेंट्स को यही लगता है कि बस यही ऑप्शन है बच्चा थोड़ा बड़ा होगा स्कूल जाएगा फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी तो uh, ये हमें देखना है बेसिकली के हमारे बच्चे की क्या नीड्स हैं और फिर हमें उस तरह के एक सेटअप क्रिएट करना है जो कि हमारे बच्चे की नीड्स मीट करता है और अगर मेन स्ट्रीम स्कूल्स वो नीड्स नहीं पूरी कर रहे तो ऑबली फिर वी हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस जैसा कि आप होम स्कूलिंग की बात कर रही थी तो uh, हर पेरेंट विद अ चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम इज नॉट इन योर पोजीशन के वो ये uh, होम स्कूलिंग की तरफ जा सके क्योंकि स्टेट की तरफ से तो होम स्कूलिंग में कोई हेल्प नहीं है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल हैं वो किस तरह ऑटिज्म uh, फ्रेंडली हो सकते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स अपने आप को समझते हैं कि वो इंक्लूसिव हैं वो एक इंक्लूसिव का लेबल रख के ये जरूर कोशिश करते हैं और पोर्ट्रे करते हैं और समझते हैं कि वो डिफरेंट नीड्स वाले बच्चों को हैंडल कर पाएंगे शुरू में और बहुत छुटपन में शायद ये बात से भी मानी जा सकती है क्योंकि छुटपन में बच्चों को खिलाना ही होता है खेल खेल से ही सिखाना होता है और बहुत सारी चीजें आसान भी होती हैं अगर आप बच्चे से बेतहाशा मोहब्बत करें और आप उसको सिखाएं इस मोहब्बत के साथ तो बच्चा जरूर सीखेगा ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो नहीं सीखेगा वो सिर्फ इसी में सीख जाएगा कि आप इतनी मोहब्बत से उसको कोई चीज सिखा रहे हैं लेकिन जैसा बच्चा बड़ा होता है उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है तो और और बड़ी क्लासों में ये बच्चे जाने लगते हैं तो उनकी नीड्स और जरूरियात फर्क होनी शुरू हो जाती हैं एक सर्वरल पॉलिसी वाला बच्चा जो चल नहीं सकता जिसके मसल कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक ऑटिस्टिक बच्चा जिसकी विजिबली आपको देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल लगे लेकिन उसकी दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो बहुत फर्क होंगी इनको न्यूरोडिवर्स बच्चे कहते हैं क्योंकि इनका दिमाग डिफरेंट तरीके से चलता है ये सीखते भी डिफरेंट तरीके से हैं हम जो स्कूलिंग सिस्टम है ये कुछ कुछ डेकेड्स पुराना है इट्स अ फेयरली न्यू थिंग दैट उन उनको ये बात पहले भी नहीं पता थी और अब भी थोड़े आ, थोड़ा दिन और लगेंगे थोड़े साल और लगेंगे या डेकेज और लगेंगे फॉर द चेंज। वन ऑफ़ आई कैन गिव जब तहा छोटे थे तो मैंने इनके लिए विजुअल कार्ड्स बना दिए थे और विजुअल कार्ड्स मैंने कलरफुल भी बनाए थे और वर्ड्स के साथ भी बनाए थे विजुअल मीनिंग एक पिक्चर थी और उसके आगे एक वर्ड था ये कार्ड्स इतने मुफीद साबित हुए सिर्फ को नहीं बल्कि सारे बच्चों को जो सात आठ साल की उम्र के थे जिनको अभी तक पढ़ना नहीं आया था लेकिन वो अपना आ, पूरा दिन का स्केड्यूल फॉलो कर सकते थे कि जब वो तहा उस क्लास क्लास में में से निकला, क्लास में से निकला तो उनकी टीचर ने मुझसे कहा प्लीज ये कार्ड मेरे पास छोड़ दे मैं पिछली अगली क्लास जो आ रही है उनको भी इसी तरह से सिखाना चाहती हूँ ये एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है लेकिन दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एवरी डे वे दी वॉज स्केजिंग आप कलर्स इस्तेमाल करें आप विजुअल्स इस्तेमाल करें आप डिफरेंट तरीके से इनको सिखाने की कोशिश करें लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज जब आएगी जब ट्रेनिंग होगी इन टीचर्स की सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता जब आपका दिमाग खुलता है जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं और आप अपने आप को समझते हैं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए तभी ये सारी चीजें आएंगी सामने आखिर में फौजिया आप उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं और जो स्कूलिंग के हवाले से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं uh, क्या मैसेज देना चाहेंगी दिल बर्दाश्त ना हो uh, जहाँ अलामिया ने ये बच्चा भेजा है वहाँ पर अलामिया ने इनके साथ हमारे लिए आसानियाँ भी भेजी हैं सो डोंट गिव अप कीप वर्किंग बहुत फेमस है वेयर वन डोर क्लोजेस विंडो ओपन ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड इफ ही इज नॉट लर्निंग द वे यूर टीचिंग हिम Change the way you're teaching because they will learn, and we need to make them functional for their lives, functional and independent. Thank you very much for having me.